ये अभी शेड तैयार किया जा रहा है। शेड देख सकते हैं, शेड ये जो इसमें खंभा गड़ा हुआ है वो खंभा सीमेंट का खंभा है। ये बड़ा सा शेड बनाया जा रहा है इसमें, यानी जैसे इसमें मुर्गी भी पालन हो सकता है, बत्तख भी पालन हो सकता है, गाय भी रखा जा सकता है, इतना बड़ा शेड बनाया जा रहा है। ये शेड के ऊपर जो होता है नारियल का, क्या बोलते हैं, नारियल का पत्ता होता है वो वाला दिया गया है। नारियल का जो होता है पत्ता, यानी इसको जैसे नारियल का पत्ता दे दिया तो उसके ऊपर से कुछ, यानी पहले प्लास्टिक, उसके बाद नारियल के चप्पा यानी पत्ता। इससे ये होता है कि वो जो धूप पड़ता है वो थोड़ा कम पड़ता है, इसलिए वो नारियल का चप्पा यानी जो पत्ता होता है वो दिया गया है। उसके बाद इसमें प्लास्टिक भी बाद में दिया जाता है। ये सीमेंट का खंभा पोल, अगर इसमें अगर लकड़ी दो तो उसमें दीमक बहुत जल्दी लग जाता है, और ये अगर ये लोहे का अगर दो तो लोहे में देख सकते हो, लोहे में ऐसे जंग लग जाता है, इस तरह से जंग धीरे धीरे करके जंग उसको खाने लगता है। उसके बाद ये फिर पतला होते चला जाता है। पाइप है तो ये जल्दी, बहुत जल्दी ही टूट जाएगा ये जंग लग के। इस तरह से चपड़ा उछलता है, इस तरह से निकलता है इसका जंग। इसलिए लोहे का जो होता है पाइप वाला, ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं, ये बहुत जल्दी ही टूट जाता है। अगर इस तरह से जैसे सीमेंट का खंभा हुआ, अगर वो खंभा बनाकर इस तरह से अगर शेड बनाओगे तो बहुत दिन तक चलता है इसका खंभा, बहुत दिन तक चलता है। इसमें जो शेड बनाओगे तो इसमें जैसे मुर्गी पालन कर सकते हो, बतख पालन कर सकते हो, नहीं तो जैसे गाय भैंस ये सब को भी रखने के लिए फर्स्ट क्लास बन जाता है। कुछ करना नहीं होता है, बस ये जैसे सीमेंट का खंभा बना, उसके बाद इसको गड्ढे 2 फीट गड्ढे खोद के गाड़ दो, बस तुरंत तैयार हो जाता है ये। इस तरह से शेड तुरंत तैयार हो जाता है। इस तरह से जो खंभा होता है सीमेंट खंभा, उसको जो बनाने का जो डाई होता है वो लोहे का होता है। वो डाई किसी वेल्डिंग दुकान में जाके आप बनवा सकते हो, नहीं तो जैसे कोई पटरा उटरा होता है उनसे भी आप बना सकते हो। इसको बनाने के लिए सीमेंट, मेटल, गिट्टी बस इस तरह से मिक्स करके बस इसे दे दिया जाता है डाई में। 6 mm का सरिया दिया जा रहा है, उसके बाद फिर मसाला ऊपर से, फिर इसको फूल किया जाएगा। फूल करने के बाद इसको लेबल किया जा रहा, खाँचा जा रहा है। खाँचने के बाद पाउडर ऊपर से सूखने के लिए, फिर थोड़ा सूख जाएगा तो इस प्लस्तर यानी प्लेन, महीन प्लेन करने के बाद इसको खोल दे दिया जाता है इस तरह से बोल्ट को। फिर निकाल देने के बाद इसको इस तरह से डाई को उठा दिया जाता है। ये कैसा बनता है उसके बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है।